नहीं। अच्छा जी, जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है उन्होंने रमज़ान में क्या करना है? पहली बात तो ये कि हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, पानी का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपका एज कम्पेयर टू रूटीन। आपने अपनी सहरी और अफ्तारी दोनों में बहुत अच्छी अमाउंट में जो है वो पानी का यूज़ करना है। नंबर टू, बेसन पकौड़े, इस किस्म की दही फुलकियाँ अगर वो स्पेशली बेसन या चने की दाल से बनी हुई है तो वो आपने कम से कम पोर्शन में लेनी है, और आप दही का इस्तेमाल साथ में करें, सैलड का इस्तेमाल साथ में करें। गोश्त और गोश्त से बनी हुई अशिया, आप एक आप कबाब अगर लेना चाहें तो आप वो ले लें, या कोई एक पीस चिकन का, यानी कि आप 50 ग्राम से 100 ग्राम के दरमियान अपनी सर्विंग रखें तो आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल रहेगा। अपनी यूरिक एसिड की दवाई अपने मॉलिज के मशवरे से आपकी मॉर्निंग या इवनिंग जिस टाइम भी चाहें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका किसी भी तरह शुगर लेवल्स पे कोई असर नहीं है, तो इसलिए आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इससे कोई शुगर कम होगी या ज़्यादा होगी। जिस दिन आपने मीट लेना है उस दिन कोशिश करें कि फिर दाल पकौड़े समोसे इस किस्म की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। अंडे की सफ़ेदी आप ले सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी एक या दो, और उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के अगर आपने सहरी में लेना है तो आप ऑमलेट ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप शाम के टाइम लेना चाहें तो चने और चनों से बनी हुई चीज़ें इनके साथ भी अगर आपने है तो फिर वेजिटेबल्स को ऐड करें, यानी आप साथ में आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चनों का कंटेंट जो है थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। फ्रूट्स लें और वेजिटेबल्स जितनी मैक्सिमम ले सकते हैं वो लीजिए।